आइए चलिए आपको प्रोजेक्टर रूम दिखाते हैं, जहां से सिनेमा डिस्प्ले अपने स्क्रीन पे कैसे पिक्चर चलती है और किस तरह पिक्चर वहां पहुंचती है, जिसका हम सभी एक बेहतरीन अनुभव करते हैं। आप मेरे साथ आइए, आपको हम चल के अपने प्रोजेक्टर रूम में दिखाते हैं। आइए, ये हमने इसको खोला, ये हमारा अपना ये प्रोजेक्शन रूम है, ये प्रोजेक्टर हो गया। और यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं 2-3 एसी लगा करके रखा गया है। 2-3 एसी लगाने का कारण पहला ये है कि इन केस यहाँ एक एसी कभी फेल हो जाता है टाइम पे, तो हमारे पास बैकअप में एक एसी चलता रहे, क्योंकि इस रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हाई कैपेसिटी, हाई पावर, हाई ल्यूमिनस ये जो है आपके प्रोजेक्टर्स हैं, तो इस रूम को ठंडक रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ सिस्टम और चैनल कैसे चलता है। ये हमारा हो गया यहाँ 2K स्कोप, UFO 3D का ये हमारा एक अलग चैनल है, जिससे 3D आउटपुट प्ले होता है। 2K स्कोप पे हम नॉर्मल जो हमारी फिल्में 2D में आती हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड, उसको चलाते हैं। UFO सर्वर पे जो मूवी चलती है हमारी, वो भोजपुरी सिनेमा चलती है, या हिंदी की भी कोई पिक्चर आती है UFO सर्वर सेटेलाइट पे, तो वो। ये पूरा कंट्रोल सिस्टम है, ये अपना प्रोजेक्टर है जिसे आप देख सकते हैं, जिसके डिस्प्ले से पिक्चर वहाँ स्क्रीन तक पहुँचती है। ये प्रोजेक्टर हो गया। अब हम बात करें कि सिनेमा इसमें लोड होने के बाद कैसे क्या जाता है। तो सिनेमा का पूरा सेटअप जो है प्रोजेक्टर का, वो यहाँ कुछ इस प्रकार से होता है, जहाँ हार्ड डिस्क DCP को इंस्टॉल किया जाता है, डिजिटल सिनेमा पैकेज जो है, जिसका एक KDM आता है, की डिलीवरी मैसेज, जिसके बाद पिक्चर चलती है। KDM का एक अपना सीन होता है कि KDM हफ्ते भर का भी आ सकता है, एक दिन दो दिन का भी आ सकता है, या पूरे एक हफ्ते के शो का आता है, जो इस शुक्रवार से अगले बृहस्पतिवार तक का ही होता है। KDM को रिन्यू करने का, जैसे ये कोई मूवी चल रही है, अगले दिन शुक्रवार से वो दूसरे हफ्ते में चलेगी, तो उस KDM को थर्सडे नाइट को रिन्यू किया जाता है, उस लाइसेंस को दोबारा प्राप्त किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, जो हमें मिलता है। अब यहाँ पे ये पूरा हमारे सिनेमा का पैनल है, कंट्रोल सिस्टम, ये हमारा मशीन हो गया, किस तरह यहाँ से पिक्चर डिस्प्ले और इनपुट के थ्रू प्रोजेक्शन पे आती है, और यहाँ से प्रोजेक्शन से यहाँ सामने हमारे प्रोजेक्टर से पिक्चर वहाँ डिस्प्ले होती है, जैसा अभी आप देख रहे हैं। 3D मशीन 3D पिक्चर चलाने के लिए एक अलग ग्लास पैनल लगाया जाता है, जो 3D के लिए अलग से आती है। ये हो गई पूरी मशीन, सीनरी हो गई, ये अपना लेंस और मोटर हो गया, जो लेंस ऑटोमेटेड होता है। 3D लेंस ये हो गया, जब 2K प्रोजेक्शन चलना होता है तो इस मशीन की हमें यहाँ तत्काल ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये मशीन ऑटोमेटेड सेट किया जाता है, और उसका चैनल हम यहाँ से सेट करते हैं प्रॉपर, यहाँ से हम उसके चैनल आउटपुट को बदलते हैं। बैकअप के लिए हमारे पास एक अलग मशीनरी यहाँ रहती है, TMS जो होता है, वो है थिएटर मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ से चेक आप कर सकते हैं ये स्क्रीन कैसा क्या है, डॉल्वी साउंड, एटमॉस, क्विक एक्सेस, ये पूरी चीज़ें जो है क्विक एक्सेस आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से प्रोजेक्शन एक बार आप देख सकते हैं कि 3D प्रोजेक्शन ऐसे कैसे होता है। आपके साथ KJ मौजूद है, ये देखिए आप, ये अज्जू भाई अपने मूवी में। इसके बाद हम आपको अब दिखाते हैं साउंड प्रोजेक्शन, साउंड आउटपुट कैसे आता है, जो डॉल्वी एटमॉस, डॉल्वी साउंड है, डॉल्वी एटमॉस साउंड, डॉल्वी के लिए साउंड आउटपुट चैनल पूरा एम्पलीफायर लगा हुआ, ये सिनेविजन इंटरप्राइजेज बेंगलोर, और ये है डॉल्वी सिनेमा आउटपुट का पूरा चैनल सेटअप सिनेरियो। ये देखिए डॉल्वी सिनेमा प्रोसेसर, साउंड वॉल्यूम यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। जब ऑडियंस ज़्यादा होती है थिएटर में, भीड़ ज़्यादा होती है, तो ये साउंड 4.4 की जगह 5 या उससे हल्का अधिक रखा जाता है, और जब भीड़ कम हो, ऑडियंस कम हो, तो हमारा साउंड सुटेबल 4.4 पे ही होता है। ये पूरा प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर है, जो आप देख सकते हैं, ये चैनल आउटपुट्स का डिजिटल 1 चैनल जो यहाँ है, वो हमारा बेसिकली 3D मूवीज़ के आउटपुट के लिए है। डिजिटल 2 आपका UFO हो गया, जिसमें हिंदी, भोजपुरी या हॉलीवुड, जो भी UFO सर्वर के थ्रू चलती है। डिजिटल 3 चैनल जो हो गया, वो आपका प्री लोडेड सॉन्ग्स वगैरह चलाने, इस तरह हमारे सारे चैनल हैं, मल्टी चैनल, एनालॉग,
नन सिंक या माइक से कभी कुछ इस तरह का रहा तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, वायर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये पूरा हमारा साउंड एम्पलीफायर रहा हर एक चैनल के आउटपुट के लिए। चैनल्स में अंतर होते हैं, जो हमारा साउंड आउटपुट है ये 6 और 12 चैनल आउटपुट का है। कुछ फिल्में 12 चैनल आउटपुट पे चलती हैं तो कुछ 6 चैनल आउटपुट पे चलती हैं। और ये पूरा सिस्टम सिनेरियो है, ये पूरा साउंड एम्पलीफायर, ये सारी चीज़ें हैं। ये सिस्टम जब चलाया जाता है उस हिसाब से है। ये प्रीलोडेड चलाने के लिए यहाँ पेन ड्राइव वगैरह है कि कभी कुछ हॉल के बीच में जो है मूवी के बीच चलाने, इस रूम के भी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ठंडक रखने की ज़रूरत है ताकि हमारा मशीन सही ढंग से चले, कहीं से कोई दिक्कत ना आए। और ये पूरा डॉल्बी सिनेमा का आप एक्सपीरियंस जो एक सिनेमा हॉल में लेते हैं कि डॉल्बी साउंड आउटपुट कैसे आता है, किस तरह आप उस साउंड का जो अनुभव करते हैं, जो एक बतौर ऑडियंस आपको एक फीलिंग जो आती है कि डॉल्बी में आपने मूवी को देखा, उस डॉल्बी का ये पूरा सेटअप है जो आप सामने में वीडियो में देख रहे हैं। ये एसी कंट्रोल पैनल सिस्टम है जो हमारे ऊपर के बालकनी के स्पेशल एसी के लिए है, वो डबल साइड सिस्टम है। ये लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, राइट वाला राइट साइड को, जिससे हमारा आउटपुट बाहर कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी ठंडक होनी चाहिए, उसको यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये उसका सेंसर। और ये जो पोर्ट होल्स आप देख रहे हैं, ये पहले के पोर्ट होल्स हैं जिनमें पहले के समय में जो प्रोजेक्शन होता था, जो नॉन डिजिटल प्रोजेक्टर थे उनके थ्रू जब प्रोजेक्शन होता था तो इन पोर्ट होल से प्रोजेक्शन किया जाता था। ये अपना प्रोजेक्टर रूम है, ये पूरी तरह से लॉक्ड रहता है, टेम्परेचर को मेंटेन अंदर किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पोर्ट होल से ये बड़ा पोर्ट होल, इसको अब आज के डेट में लॉक कर दिया गया है एसी और डिजिटल के लिए। ये स्विचेज हैं, ये सारे कंट्रोल पैनल की। आपको पोर्ट होल से भी मैं दिखा दूँ वीडियो यहाँ से देखने में कैसा लगता है। जब आप प्रोजेक्शन रूम में रहते हैं, बतौर प्रोजेक्शन मैनेजर जो एक खास काम होता है प्रोजेक्शन मैनेजर का, वो ये होता है कि ऑडियंस जिस मूवी को एक्सपीरियंस करने आई है उनके मूवी एक्सपीरियंस को बेहतरीन कैसे बनाए, इसलिए प्रोजेक्शन मैनेजर को भी लगातार अपनी मुस्तैदी बनाई रखनी होती है कि वो देखते हैं कि कहीं से कोई दिक्कत ना आए, साउंड को क्या अप डाउन करना है या नहीं करना है, पिक्चर में कोई इंटरप्शन ना हो या वीडियो पिक्चर में कोई डिफरेंस ना हो कि पिक्चर और साउंड आगे पीछे चल रही हो, ऐसा ना हो। ये सारी चीज़ें एक जिम्मेदारी होती है प्रोजेक्शन मैनेजर की, जो खास उनके वजह से ही एक सिनेमा हॉल और उसके अंदर बैठ के पिक्चर देखने का एक अनुभव जो आप लेते हैं वो प्रोजेक्शन मैनेजर के द्वारा ही किया हुआ खास कमाल है जिसको आप अनुभव करते हैं। पोर्ट होल से बाहर पिक्चर किस तरह चल रही है, साउंड कैसा आ रहा है या पब्लिक रिएक्शन कैसा है, इसकी जानकारी कैसे लेते हैं प्रोजेक्शन मैनेजर, तो वो इस पोर्ट होल को कभी कभी रेगुलर इंटरवल पे खोल के चेक करते हैं। अब आप देखिए कैसे, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ट्रिपल आर का ये शो, यहाँ से आउटपुट आप देखिए साउंड का, ये देखिए। सिनेमा हॉल किस तरह, कैसे, क्या प्रोसेस होता है, कैसे चलता है, और जो सिनेमा अनुभव करते हैं, जो एक ज़िंदगी जो जीते हैं उस 3 घंटे में, उनका सारा मज़ा सिनेमा हॉल ओनर, सिनेमा हॉल के जो प्रोजेक्शन मैनेजर होते हैं, जो टिकट कलेक्टर्स होते हैं, सहयोग से ही आप एक सिनेमा का अनुभव करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।